हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाले वाली सूखी अरबी की सब्जी। मसाला अरबी बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो बॉयल की हुई अरबी, 3 से 4 बड़े ग्राइंड किए हुए अनियंस, टमाटो प्यूरी, वे भी हमें चाहिए 3 से 4 बड़े टमाटर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और चाहिए 3 से 4 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं, और चाहिए कुछ सूखे मसाले जिनमें नमक, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, और चाहिए हमें जीरा पाउडर, और कुछ चाहिए हमें अजवाइन पाउडर, आप ऐसे भी अजवाइन डाल सकते हैं, और चाहिए हमें गरम मसाला, और चाहिए हमें धनिया पत्ती। अरबी का मसाला बनाने से पहले हम अरबी को मैरिनेट कर लेते हैं, जिसके लिए हम थोड़ी सी नमक डालेंगे इस पर, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हम डालेंगे गरम मसाला, और डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर। अच्छे से मसाला कोट कर देंगे सभी अरबी पर, और इसे हम ढक करके 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। अरबी को मैरिनेट करने के बाद हम इसे शैलो फ्राई करेंगे, जिसके लिए हम डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, रिफाइंड ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मैरिनेट की हुई अरबी के पीसेस, अरबी को हम ऐसे घुमा घुमा कर फ्राई कर लेंगे, अच्छी तरह से फ्राई करनी है हमें इसे, जब तक कि अरबी का कलर गोल्डन ब्राउन नहीं आ जाता। अरबी को सिर्फ 20% ही फ्राई करना है, क्योंकि हमने 50 to 60% इसे बॉईल कर लिया था, अब बाकी की अरबी को हम मसाले में फ्राई करेंगे। हमारी अरबी अच्छे से ब्राउन हो गई है, गैस ऑफ कर देंगे, हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट पर। अरबी मसाला बनाने के लिए हम लेंगे एक कढ़ाई और गैस को ऑन कर लेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, ध्यान रखें कि रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा ही डालना है, क्योंकि हमने अरबी को फ्राई करने के लिए भी ऑयल डाला है। उसके बाद हम डालेंगे थोड़ी सी हींग, और थोड़ा सा डालेंगे हम जीरा, और अच्छे से भून लेंगे। अब हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और अब हम डालेंगे ग्राइंड किए हुए अनियंस, और इसे भी मिक्स कर लेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी, और इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमने हाई ही रखना है। अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। सबसे पहले डालेंगे हम नमक, ध्यान रखें कि हमने नमक मैरिनेट करने के टाइम भी डाला था, और डालेंगे थोड़ी सी मिर्च, हल्दी पाउडर भी हमने थोड़ा सा डालना है। हल्दी पाउडर के बाद हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, इससे भी टेस्ट अच्छा आता है, थोड़ी सी काली मिर्च, और थोड़ा सा हम डालेंगे गरम मसाला, थोड़ी सी हम डालेंगे अजवाइन, और इन सबको मिक्स कर लेंगे। ये फ्रेंड्स, हमारा मसाला में ऑयल रिलीज हो गया है, अब हम इस स्टेज पर डालेंगे फ्राई की हुई अरबी, और इसे अच्छे से ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी में मिक्स होने के बाद अरबी का कलर कितना अच्छा आया है। अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी, थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि हमने इसको
50% बॉयल किया था, 20% इसको हमने फ्राई किया था और उसके बाद हमें इसे पकाने में थोड़ा सा ही टाइम लगे, इसलिए हम इसमें ग्रेवी वाली बना रहे हैं तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। आइए अरबी को हम अब चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अरबी बनके तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इस पे गार्निश के लिए हम डालेंगे धनिया पत्ती। आइए फ्रेंड्स, हम अपने ग्रेवी वाली अरबी की सब्जी को एक बाउल में निकाल लें। देखिए कितनी अच्छी बनी है ग्रेवी वाली अरबी। आप भी ऐसे ही बनाएं और खाएं। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।